पानी को लेकर कांग्रेस ने शुरू की जंग। झांसी में जहां भीषण गर्मी के मौसम में महानगर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, इसी बीच कांग्रेस ने आज सरकार की पेयजल से संबंधित तमाम योजनाओं को कटघरे में खड़ा करते हुए पानी की टंकी के पास निर्जल अनशन किया। झांसी की शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नारायण बाग स्थित पानी की टंकी के पास बिना जल ग्रहण किए अनशन शुरू कर दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा आम जनता की समस्याओं को हल करने की नहीं बल्कि उसका उत्पीड़न करने की है। महानगर में जितनी भी पानी की टंकियां बन रही हैं, यदि उनमें तीव्र गति से काम किया जाता तो अब तक पानी की समस्या हल हो चुकी होती। सरकार की योजनाएं केवल कागजों में चल रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर घर पाइपलाइन योजना, अटल अमृत योजना आदि के ढोल पीटने वाली सरकार को जमीन पर उतर कर कड़वी सच्चाई देखनी चाहिए। देखिए पूरे नगर में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मच रहा है और नगर के अंदर जो टंकियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो टंकी है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। उसके बावजूद भी इस टंकी का काम बहुत ही तीव्र गति से नहीं किया गया। यदि इस टंकी का काम तीव्र गति से हो जाता तो बड़े गांव के बाहर जितनी भी कॉलोनी है, अन्नपूर्णा, सत्यम, मद्रासी, राय कॉलोनी, अमान का बगीचा आदि बहुत सारी कॉलोनी जो इससे जुड़ी हुई हैं, उधर पानी मिल जाता और लोगों को सुचारू पानी की व्यवस्था हो जाती। लेकिन अफसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग यहाँ निर्जल बैठे हैं, जो हमारा अनशन चल रहा है। अनशन के दौरान हमारे कांग्रेसी बंधु जो बैठे हैं, रायन शर्मा जी, मुन्नी जी, युवराज भाई, रशीद भाई, अमित, राकेश अमरिया जी, मनीष रायकबाड़ी, ये लोग बिना पानी के बैठेंगे। हम लोग उस अनशन के दौरान पानी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हमारी झांसी की जनता पानी के लिए तड़प रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप तमाम तरह की योजनाएं भाषणों में कहते हैं, अमृत योजना, फलानी योजना, पेयजल योजना, लेकिन वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रही है। टंकियों पे गुलाम गौस खां के पास जो टंकी है काम बंद है, आपकी बिजौली में टंकी जो बन रही है वो भी बंद है, उसका काम भी बंद है, आपकी हसारी में टंकी है उसका काम भी बंद है, दरगरान में, दरीगरान में, उनाव गेट में जो टंकियां बन रही हैं उसके काम में कच्छप गति से चल रहा है काम। सरकार की मंशा जनता को त्रस्त करने की है। पानी देने की मंशा होती तो ये टंकी जो बनकर तैयार हो गई है इसकी सबसे पहले पाइपलाइन डलती और पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू। आप यहाँ कब तक बैठेंगे? हम यहाँ हमारी जनता के साथ बैठे हैं, लगभग 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और हमारा अनशन लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।